वो उनको यहाँ लाता है, उनको दिखाता है, सिखाता है, उनको देता नहीं है, लोन नहीं देता, पर ये तैयारी करता है उसके साथ कि आप खुद वापस किस तरह से अपने आप खड़े हो सकते हो अपने पैर के ऊपर। वो प्रक्रिया 3-4 साल ऑलरेडी हुए हैं वहाँ पे, बड़े बड़े नाले नदियाँ हैं उसमें, और दूसरे लगभग 50-55 हुए जो बिल्कुल सूख गए थे, वो वापस खड़े हुए हैं और क्या हुए हैं। ये नदी ग्वालियर इस तरह से चलती है 365 दिन। यहाँ पर 17 साल में एक बूंद भी पानी नहीं था, क्योंकि वो जो पानी गिरता था ऊपर से नीचे होके बाहर निकल के बड़े खेमे वहां चला जाता था। अब पिछले 3-4 साल से ये पानी इस तरह से कॉन्स्टेंटली रुका रहता है। थोड़ा इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। सैकड़ों हजारों तालाब, जोहर, नाड़ी, कुएं, कुई, वेरी, एरी आदि अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 100-200 वर्षों में थोड़ी एक नई किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज के एक हिस्से ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया है। यह शून्य फिर से इकाई दहाई सैकड़ा और हजार बन सकता है। Essentially, it's not only new so-called technology which is what is. It's there was science, understanding, technology which people had. That is how people have been living since the last thousands of years already. And I feel that is also one major part that one needs to understand, recognize. We need to learn from it and move ahead, grow it.